Luke 23 verse 34. <clears throat> then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Tab Yeshu ne kaha he pita in he shamakar. क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं कि वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें स्वस्व वचन से सिखाए रोशनी दें यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें और सारे डिस्टरबेंसेस को और कनेक्शन की प्रॉब्लम्स को आप दूर रखिए और हमारी सहायता कीजिए धन्यवाद देते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं मैन तो जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं या जो हमने जहाँ से शुरू किया ये कोई नया हिस्सा नहीं है कोई विशेष आयत नहीं है मतलब विशेष है जीवन के लिए लेकिन कहने का मतलब है आ, बहुत बार सुनी है हमने शायद जब से उद्धार हुआ है जिस दिन से उद्धार हुआ है इस दृश्य के बारे में हम सुनते आए ही हैं। और दृश्य क्या है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान और अगर हम थोड़ा बारीकी से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो शायद हमें कुछ और नई बातें नई रोशनी इन वचनों से आज मिलेगी देखिए जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं तो कई लोगों को प्रभु यीशु की इस प्रार्थना से उनके मन में सवाल आता है सवाल आता है कि क्या प्रभु ने ये प्रार्थना की तो सब माफ हो गया क्या है ना प्रभु यशु ने जब ये प्रार्थना की तो कितने लोग इन्वॉल्व थे रोमी राज्य इन्वॉल्व था पिलातूस इन्वॉल्व था मतलब पिलातूस का भी हाथ था यहूदियों का हाथ था धर्मगुरुओं का हाथ था इतनी सारी भीड़ थी जो चिल्ला रही थी इसे क्रूस पे चढ़ाओ इसके क्रूस पे चढ़ाओ जो सैनिक थे जिन्होंने कीले ठोकी उनका हाथ था सुबेदार जो खड़ा था वो भी प्रभु को क्रूस प्रभु को क्रूस पे चढ़ाने में उसका भी हाथ था तो कैसे प्रभु ने एक प्रार्थना के द्वारा सबको क्षमा कर दिया दूसरा सवाल आता है क्या वास्तव में वो क्षमा हुए क्या ना। ये नहीं कि प्रभु क्षमा नहीं कर सकता है पिता पिता, शमा, पिता शमा कर देता है ना? क्योंकि पिता के पास मनुष्य के पुत्र के पास पुत्र के पास क्षमा करने का अधिकार है लेकिन वो अपने न्याय के विरुद्ध तो नहीं जाएगा ना क्षमा अपनी दया दिखाने के लिए परमेश्वर अपने न्याय के साथ समझौता नहीं कर सकता देखिए जब हम इफिसियो दो अध्याय की आठ आयत पढ़ते हैं तो यहां पर वही मशहूर शब्द है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है तो अगर विश्वास नहीं है तो उद्धार नहीं है जब प्रभु यीशु ने यह प्रार्थना की कि पिता इन्हें क्षमा कर तो इसमें से कितने लोगों ने विश्वास किया था ना बहुत थोड़े हम जानते हैं जिन्होंने विश्वास किया था सुबेदार ने विश्वास किया डाकू ने विश्वास किया एक डाकू ने बाकियों का क्योंकि इस वचन के विरुद्ध तो नहीं जा सकता ना कि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा तो उद्धार हुआ है तो इसलिए कई लोगों को ये आयत जब पढ़ते तो ये सवाल आता है इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें जब प्रभु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर तो क्षमा जो शब्द है या इंग्लिश में फर्गिव आता है यहां पर जो यूनानी शब्द यूज किया गया है वो है अफी मै अफी मै जो क्षमा के लिए भी उपयोग होता है और जो अनुमति के लिए भी उपयोग होता है परमिशन या कहते हैं ना होने दे तो अगर हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो मानो के प्रभु यीशु पुत्र पिता से कह रहा है पिता होने दे ये मुझे क्रूस पर चढ़ाए होने दे के ये मेरे हाथों और पैरों को क्रूस पर कीलों से ठोक दे यानी पुत्र कह रहा है पिता अपने उस पवित्र क्रोध को रोके रख ये दुष्ट और पापी लोग जो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं इसको होने दे अभी अपने क्रोध पर क्रोध को इन पर ना ला क्योंकि ये शब्द जो मैंने बताया अफी में ये करीब तेरह बार नए नियम में इस प्रकार से उपयोग होता है अनुमति परमिशन कुछ उदाहरण देता हूं आपको मती तीन अध्याय की पंद्रह आयत में लिखा है मती तीन पंद्रह यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे प्रभु यहोन्ना को कहता है बपतिस्मा देने वाले को क्योंकि हमें इसी रीति से सब सदाचारिता को पूरा करना उचित है तब उसने उसकी बात मान ली तो प्रभु ने क्या कहा तो को? अभी ऐसा ही होने दे अभी ऐसा ही होने दे कि तू मुझे बपतिस्मा दे पर भी वही शब्द उपयोग किया गया है फिर दूसरा मती 19 अध्याय की 14 आयत उन्नीस चौदह यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है चेले रोक रहे थे बच्चों को तो प्रभु कहता है ऐसा ना करो बालकों को मेरे पास आने दो उनको अनुमति है आने की और फिर तीसरा जो उदाहरण है मर्कुश एक अध्याय की चौथी शायद मार्क वन थर्टी फोर और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी यहां पर नकारात्मक तरीका है उस शब्द उपयोग करने का कि दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया ही सफर्ड देम नॉट टू स्पीक तो आपको थोड़ा सा अर्थ उस प्रभु के वाक्य का समझ में अब आ सकता है कि पिता होने दे कि ये मुझे क्रूस पर चढ़ाए और अपना पवित्र क्रोध इन पर अभी मत उंडेल कुछ लोग इस क्षमा वर्ड को क्षमा के रूप में ही लेते हैं एग्जैक्टली exactly क्षमा लेकिन वो इस तरह से समझाते हैं कि प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करता है कि ये जो भयंकर गुनाह कर रहे हैं लोग अपने राजा को ही की हत्या कर रहे हैं ये इनके व्यक्तिगत खाते में ना गिना जाए क्योंकि कायदे में जो सैनिक थे वो तो ड्यूटी पूरी कर रहे थे ना ठीक है कुछ उनकी गलतियां थी जब वो प्रभु के वस्त्र पर चिट्ठी डाल रहे थे लेकिन जो क्रूज पर चढ़ाने का काम था वो उनकी सरकारी नौकरी थी तो प्रभु यीशु पुत्र पिता से कहता है कि इनका ये भयंकर गुना इनके व्यक्तिगत खाते में ना गिना जाए देखिए पौलुस और पत्रस जब अपनी सेवकाई करते हैं तब भी इस विचार को सामने लाते हैं पत्रस कहता है प्रेरितों के काम तीन अध्याय चौदह और पंद्रह में और फिर सत्रह में तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया और इस बात के हम गवाह हैं पत्रस कहता है तुम लोगों ने उसको मार डाला जीवन के कर्ता को प्रिंस ऑफ लाइफ को लेकिन फिर आयत में देखो क्या कहता है पत्रस लेकिन हे भाइयों मैं जानता हूं कि तुमने ये अज्ञानता में किया जैसे तुम्हारे प्रधानों ने भी दृश्य वही आता है जब यूसुफ अपने भाइयों को कहता है मिस्र में कि तुमने तो मेरे लिए बुराई सोची लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई सोची तो पतरस भी इसी प्रकार से कहता है कि तुमने तो अपने दुष्ट हाथों से जीवन के राजकुमार को मार दिया लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको मृत्यु को में से जिलाया और मैं जानता हूं तुमने अज्ञानता में यह किया पत्रस कह रहा था तुम क्षमा हो सकते हो तुम्हारे व्यक्तिगत खाते में ये नहीं डाला गया गुना अगर क्षमा मांगोगे तो क्षमा हो जाओगे फिर पॉलुस कहता है पहला कुर दो आठ में जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते संसार के जो हाकिम थे है ना जो मैं कह सकता हूं कि रोमी सरकार थी पिलातूस था और भी जो अधिकारी थे जिनके हाथ में ये बात होती जिनके हाथ में ये बात थी अगर वो तेजोमय प्रभु को पहचान लेते तो उसको क्रूस पर ना चढ़ाते लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं उनकी आंखें बंद थी तो इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर पिता से कहता है कि पिता होने दे ये नहीं जानते हैं इनके व्यक्तिगत खाते में ये गुना ना गिना जाए यानी उनको मौका मिलता है क्योंकि उद्धार तो विश्वास से ही होना है इसको और समझेंगे फिर पौलुस तिमोतियस में लिखता है पहला तिमोतियस एक तेरा मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे पौलुस ने जो कलीसा को सताया स्टिफनेस को मरवाया लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया विश्वासियों के साथ वो कहता है मैंने अज्ञानता में अविश्वास में किया ये तो क्या पॉलुस माफ हो गया माफ तो नहीं हुआ ना इस बात से माफ तो तभी हुआ जब उसका प्रभु यीशु के साथ आमना सामना हुआ जब तीन दिन खामोशी में बिना खाए पिए उसने भारी पश्चिताप किया और उसने क्षमा पाई तब वो गवाही के रूप में लिखता है कि प्रभु ने मेरी उन बातों को मेरे खाते में नहीं डाली जबकि वो हत्यारा हुआ पॉलिस लेकिन उसने अज्ञानता में और अविश्वास में वो कार्य किया था देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब प्रभु मसीह क्रूज पर था तो अलग अलग प्रकार के लोग उनका हम रिस्पांस देखते हैं व्यवहार देखते हैं ये तीन हिस्सों में तीन सुसमाचार में लिखा है हम सारे नहीं पढ़ेंगे पहले तो मती सत्ताईस में लिखा है उनतालीस से चवालीस में थर्टी नाइन टू फोर्टी फोर दूसरा मरकुस पंद्रह उनतीस से बत्तीस में लिखा है और फिर लिखा है लूका तेईस पैंतीस से उनतालीस में और इन जब तीनों को मिलाते हैं तो हमें पूरी तस्वीर मिलती है ना इसलिए प्रभु ने चार सौ समाचार दिए ताकि हमें पूरी तस्वीर मिले कैनवस मिले तो मैं सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ूंगा मती सत्ताइस उनतालीस से चवालीस आयत और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले अपने आप को तो बचा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर कर के कहते रहे इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता ये तो इज़राइल का राजा है अब क्रूज़ पर से उतर आए तो हम पर तो हम उस पर विश्वास करें उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले क्योंकि उसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा कर रहे थे देखिए अलग अलग प्रकार के लोग हैं कुछ तो ऐसे ही जैसे बाजार में आ, सड़क पे चलते हैं कुछ दुकान में लगा हुआ है उसको देखते देखते आगे चलते हैं ना पासर्स बाय ऐसे ही घूम रहे वो प्रभु को देखकर क्रूज पर देखकर कमेंट मारते हैं कि अरे तू जो मंदिर को ढाने वाला था और तीन दिन में बनाने वाला था अपने आप को बचा ले अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे क्रूस से क्रूस से नीचे उतर के दिखा ये वो लोग है जो सिर्फ एक ड्रामा देखना चाहते हैं एक तमाशा देखना चाहते हैं फिर दूसरा जो ग्रुप था वो धर्मगुरुओं का था यहूदी धर्मगुरुओं का वो क्या कहते हैं इसने औरों को बचाया लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाता और कितनी सच बात थी अगर प्रभु अपने आप को बचा लेता क्रूस पर से उतर जाता, उतर जाता तो हम कैसे बचते उसका क्रूज पर रहना आवश्यक था जब तक वो कार्य पूरा ना हुआ जैसे उसने ऊंचे शब्द से पुकारा पूरा हुआ उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने होने दिया कि हमारा प्रभु भविष्यवाणियों के अनुसार दफनाया गया अमीरों के साथ उसको दफनाया गया फिर वो कह रहे थे अरे वो अपने आप को बचा ले अगर वो मसीहा है अगर परमेश्वर का चुना हुआ है उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा अब परमेश्वर उसको बचाए अगर वो चाहता है क्योंकि उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तीसरे सैनिक थे वो कह रहे थे अगर तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा और फिर दो डाकू अगर तू मसीहा है तो अपने आप को बचा और हमें बचा हर जगह से उसको उसके क्रूज पर टंगने के बारे में टोंट मिल रहे थे व्यंग मिल रहे थे अरे कैसा है तू? और आज भी लोग ऐसा करते हैं है ना जब शुरुआत में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैला है ना वैसे तो जो प्रेरित थे वो कई जगह गए मतलब पहली सदी में भारत भी आए इजिप्ट गए और टर्की गए ऐसी ऐसी जगहों पर गए वचन बहुत तेजी से उन जगहों में नहीं फैला लेकिन यूरोप में तेजी से फैला और यूरोप के कुछ जगहें सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया था वो तो अभी भी अजीब गरीब चीज़ों पे विश्वास करते थे और जब उनको पता चला कि कोई एक हिस्सा यूरोप का यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो मजाक बनाते थे कि इनका तो एक मरा हुआ ईश्वर है जो टांग दिया गया है तो क्योंकि यही यही चीज है जिससे शैतान हारता है प्रभु के क्रूस के बलिदान से तो इसी पर वो हमला करता है शुरुआत से हमारे यहां भी कहते लोग अरे ये तो इनका जो खुदा है ये तो क्रूस पर लटकाया हुआ है मरा हुआ है लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो क्रूस पर मरा वो हमारे लिए मरा लेकिन आज वो मृत्यु में से जी उठा प्रभु है युग जीवित है मृत्यु के डंक को तोड़ा है कमर के बंधन को हराया है तो ये हम अलग अलग रिस्पॉन्स इन ग्रुप्स जो क्रूज के आसपास थे उनका देखते हैं जब उस डाकू के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं तो दोनों डाकुओं में से एक ने विश्वास किया हम जानते हैं लुका तेईस अध्याय चालीस से तैतालीस इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधी लेना उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा हम देखते हैं कि जो पहला डाकू था इसको पहला डाकू कह दे या इसको दाइनी ओर का डाकू कह दे है ना उसने क्या किया इन शब्दों से पता चलता है कि उसने अपनी जीवन की मूर्खताओं पर गलतियों पर उनके लिए पश्चाताप किया तभी तो वो कहता है अपने दोस्त को अरे हमें तो हमारे कामों के का अनुसार सही मिल रहा है दूसरा दूसरी चीज वो करता है जो दूसरा डाकू था जो बाएं का कह सकते हैं उसको उसने डांटा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता और तीसरा उसने कहा प्रभु यीशु जब तू तो अपने राज्य में आए राजा बनकर आए तो मुझे स्मरण रखना कैसे बहुत थोड़ी देर में इसके हृदय में विश्वास जागा विश्वास की सृष्टि हुई क्योंकि उसने प्रभु के वो शब्द सुने पिता इन्हें क्षमा कर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं या पिता होने दे कि ये मुझे क्रूस पर चढ़ाए इससे उसके हृदय में विश्वास की सृष्टि हुई देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा उसको प्रभु ने उसको कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा आज ही हम दोनों एक साथ स्वर्ग में होंगे यानी कि एक साथ जाएंगे लेकिन आज हम स्वर्ग में स्वर्गलोक में संगति करेंगे देखिए पहली बात तो जब प्रभु ने उसको ये प्रतिज्ञा दे दी तो मैं और आप तो विश्वास करते हैं ये बात सौ प्रतिशत से भी बढ़कर सच है तो पहली बात देखते हैं कि उद्धार किसी को भी और सबको प्रभु ऑफर करता है सबको किसी को भी सबको भी और कहीं भी आपने टाइटेनिक की कहानी सुनी होगी टाइटेनिक बहुत बड़ा जहाज़ था बहुत टेक्नोलॉजी थी जबकि आज से सौ साल सवा सौ साल या ऐसे पहले होगी और अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में यूरोप के बीच में ये चलने वाली जहाज़ थी जहाज़ था और जब ये चला जिस दिन तो अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े हुए बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे थे उसमें मतलब साधारण क्लास भी था लेकिन बहुत अमीर अमीर लोग जा रहे थे और अनाउंस किया गया कि खुदा भी इसको डुबा नहीं सकता इसमें विश्वासी भी थे और एक प्रचारक था जिसका नाम जॉन हार्पर था और प्रभु ने उस रात ही उसी पहली जर्नी में ही एक आइसबर्ग बर्फ पहाड़ पर यह टकराई जहाज टाइटैनिक और ये धीरे धीरे डूबने लगी और जितने भी इनके पास लाइफ बोट थी लोगों ने लोगों को बचाने की कोशिश की लेकिन सब तो नहीं आ सकते लाइफ बोट पे बहुत लोग थे उस पर मतलब ये समझो कि वो एक छोटा सा शहर था जो पानी पे चल रहा था उसमें कोई चीज की कमी नहीं थी है ना और जॉन हारपर भी डूब रहा था और उसके पास वो लाइफ वेस्ट था जिससे तैर तैरता है आदमी तैरा रहता है लेकिन पानी बहुत ठंडा था और तब उसने एक और आदमी को देखा जो शायद फट्टे को पकड़े हुए था तो जॉन हार्पर ने उससे पूछा क्या तेरा उद्धार हुआ है और जॉन हार्पर समझ गया इसको उद्धार के बारे में मालूम नहीं है तब जॉन हार्पर ने अपनी लाइफ वेस्ट उसको दे दी और उसको सुसमाचार दिया थोड़े में जितना दे सकता है मानो कि प्रभु यीशु पे विश्वास कर तू बच जाएगा और जॉन हार पर उस आ, बर्फीली या पानी ठंडे पानी की कब्र में चला गया तो हम देखते हैं कि किसी भी समय एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है यह कैसे मालूम उस व्यक्ति ने फिर गवाही दी क्योंकि वो व्यक्ति बच गया कोई कहेगा अरे फिर तो आखिरी समय पर ही बचना सुसमाचार ग्रहण करना सबसे अच्छा है क्योंकि पूरी जिंदगी मजा करते रहो ऐसा नहीं इसका अर्थ ये नहीं है हम एक ही उदाहरण देखते हैं वचन में इस प्रकार का कि जब आखिरी समय पर एक व्यक्ति पश्चाताप करके उद्धार पाता है ये डाकू एक ही क्यों उदाहरण दिया ऐसा ताकि कोई भी मरता हुआ मनुष्य आशा रहित होकर ना मरे उसे यह हो कि यीशु ने जब उसको बचाया तो मुझे भी बचा सकता है और दूसरा कि कोई भी जीवित व्यक्ति इस बात को ढिलाई से भी ना ले क्योंकि उसको क्या मालूम वो कब तक जिएगा तो इसलिए इस डाकू भी डाकू का जो विश्वास करना मरने से पहले यह एक बहुत बड़ी घवाई है डीएल एल मुडी ने एक बार कहा कि क्या कभी ऐसे पालने में पालना समझते हैं ना जिसपे छोटा बेबी रखते हैं जिसपे उसको क्रेडल कहते हैं क्या कभी ऐसे अजीब से पालने में किसी का नया जीवन देखा ऐसे क्रूर खुरदुरे खूनी क्रूस पर एक पापी नया जन्म लेता है देखिए यहां पर कुछ विपरीत बातें देखते हैं सुबह ये डाकू क्रूस पर चढ़ाया गया है ना क्योंकि हम जानते हैं प्रभु को सुबह नौ बजे क्रूस पर चढ़ाया तो डाकू भी आसपास ही दोनों चढ़ाए गए थे तो यह डाकू जो स्वर्गलोक गया सुबह क्रूस पर चढ़ाया गया लेकिन शाम तक यह मुकुट पहने हुए था सुबह यह कैसर का दुश्मन था इसलिए तो रोमी सरकार ने उसको क्रूस पर चढ़ाया लेकिन शाम को वो परमेश्वर का मित्र था सुबह लोग इसको थूथू कर रहे थे लेकिन शाम को वो स्वर्गदूतों की संगति में था लूका पंद्रह दस में आपको याद है लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है आपको याद है लाजर जो भिखारी लाजर था कैसे मरने पर स्वर्गदूत उसकी आत्मा को स्वर्गलोक ले गए वैसे इसकी आत्मा को भी स्वर्गदूत स्वर्ग ले गए सुबह वो पृथ्वी पर एक गुनेगार की तरह क्रूस पर चढ़ाया गया और वैसे ही मरा वो लोगों की दृष्टि में लेकिन शाम को वो स्वर्ग का नागरिक था कैसे प्रभु तो यीशु टोटल एक व्यक्ति का भविष्य और अस्तित्व बदल देता है है ना हम याद रखते हैं हमेशा के विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ देखिए जो ईसाई समाज है जो ईसाई समाज है इसमें उद्धार और नए जीवन के लिए कई सारे लोगों ने जोड़ दी है चीजें लेकिन इस डाकू के उद्धार से वो सारी बातें ढा दी जाती है देखिए कुछ लोग कहते हैं भाई कुछ चीजों की जरूरत होती है कुछ रीति रिवाज की जरूरत होती है तब व्यक्ति का उद्धार होता है वो कहते हैं कंफर्मेशन होना चाहिए जो पादरी है प्रीस्ट है वो कंफर्म करेगा तब एक व्यक्ति उद्धार पाएगा या उस पर पानी छिड़का जाता है या उसको प्याले में डुबाकर वेफर खाने को दी जाती है कहते, कहते। चर्च मेंबरशिप की बात करते हैं लेकिन इस डाकू के पास ऐसा कुछ नहीं था है ना? उसके पास सिर्फ अपना विश्वास था और प्रभु यीशु था कुछ लोगों को यह होता है पूछते भाई आपका उद्धार हो गया कहते हां मेरा बपतिस्मा हो गया बपतिस्मा उद्धार नहीं दे सकता बपतिस्मा तो सिर्फ एक गवाही है है ना एक गवाही है इस डाकू का कोई बपतिस्मा नहीं हुआ लेकिन कहां गया स्वर्गलोक गया इसका मतलब यह भी नहीं कि आप बपतिस्मा का विरोध करें इसके पास मौका नहीं था लेकिन प्रभु ने फिर भी कहा तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा फिर वो कहते हैं कि भाई पहले एक स्थान पे जाते हैं जिसको परगेटरी कहते हैं और वहां पर थोड़ा बहुत दुख उठाकर फिर मनुष्य स्वर्ग चला जाएगा ऐसा हम नहीं देखते हैं। प्रभु साफ कहता है आज विश्वासी को जिसने पश्चाताप किया उद्धार पाया प्रभु कहता आज तू मेरे साथ यानी मरने पर ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा दूसरा कहते है भाई आखिर में सब स्वर्ग ही जाएंगे है ना प्रभु तो दयालु है प्रेम करता है कैसे वो नरक में डालेगा यहां पर हम ऐसा नहीं देखते एक को ही प्रभु कहता है एक को ही प्रतिज्ञा देता है कि आठ तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा और उद्धार कई लोग इनकार करते हैं दूसरे के पास इतना मौका था लेकिन उसने रिजेक्ट किया इनकार किया और अनंत काल के लिए खो गया है ना देखिए तीन पुरुषों को देखते हैं तीन व्यक्तियों को देखते हैं एक तो हमारे प्रभु को देखते हैं जो पापों के लिए मर रहा था है ना पापों के लिए मर रहा था पहला कंजो पंद्रह तीन में लिखा है कि मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मर गया दूसरा जिसने पश्चाताप किया जिस डाकू ने जिस चोर ने वो पाप के लिए मर गया यानी अब पाप के लिए जिंदा नहीं है वो कैसे समझते हैं रोमियो छे दो में कदापि नहीं हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए है ना प्रभु यीशु मसीह पापों के लिए मर गया यानी हमारे पापों के लिए लेकिन ये डाकू अपने आखिरी क्षण में पाप में जीने के लिए मर गया यानी अब से मैं पाप के लिए नहीं जीऊंगा और तीसरा जो अविश्वास में था वो पापों में मर रहा था डाइंग इन sin। हमारा प्रभु डाइंग फॉर सिन जिसने विश्वास किया डाइंग टू सिंह और ये तीसरा डाइंग इन सिन पापों में मर रहा था यौन आठ चौबीस में इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे क्योंकि यदि तुमने विश्वास ना किया कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे है ना आखिर मैं खत्म कर रहा हूं कि जो लोग हमने देखा प्रभु के क्रूस के आसपास थे एक तो तमाशा देखने वाले थे दूसरे धर्मगुरु थे और हमेशा कुछ ऐसा ही रहा पीढ़ियों से पीढ़ियों जो धर्मगुरु रहे वो सबसे ज्यादा प्रभु यीशु के विरोधी रहे साधारण लोग विश्वास करते हैं उद्धार पाते हैं उनका जीवन बदलता है लेकिन बहुत सारे धर्मगुरु वो विरोध करते हैं घृणा से भरे हुए होते हैं कारण कोई नहीं है उनके पास वो समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया वो सिर्फ धर्म को ही देख सकते हैं प्रभु यीशु ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं और जब प्रभु क्रूस पे था कुछ अपना बिजनेस भी कर रहे थे जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे चिट्ठियां डाल क्यों रहे थे ताकि प्रभु के कपड़े का यह हिस्सा मुझे मिल जाए मतलब जो अंगरखा था वो मिल जाए महंगा था यानी कुछ लोग प्रभु का नाम तो लेते हैं लेकिन अपनी दुकान चलाते हैं अपना फायदा करते हैं ऐसे भी लोग हैं मसीह समाज में पिलिपियों तीन उन्नीस उनका अंत विनाश है उनका ईश्वर पेट है वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं वो मुंह से प्रभु के करीब है उनका मन उनका दिल उनकी कल्पनाएं उनके विचार सब संसारिक है शारीरिक है और शैतानी है लेकिन वो जुड़े रहते हैं प्रभु ही किसी दिन ऐसे लोगों को प्रकट करेगा और करता भी है फिर हम उस आखिर में उस इनकार करने वाले डाकू को देखते हैं और एंड करते हैं हम हमारे मित्र के, मित्र के साथ दो मित्र जिसने कहा प्रभु मुझे स्मरण रखना है ना प्रभु जब तू आए मुझे स्मरण रखना हर पीढ़ी में ऐसे सच्चे खोजी भी रहे जो प्रभु यीशु से प्रेम करते रहे प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार रहे प्रभु को खुलकर अंगीकार किया हर पीढ़ी में ऐसे सच्चे खोजी भी रहे और रहेंगे जब तक प्रभु ना आए और आखिर में वो सुबेदार था जिससे हम आशा नहीं कर सकते थे लेकिन उसने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी प्रभु के करीब खींचे जाए जब प्रभु के क्रूस के दुखों को और सत्यों को हम जानते हैं तो हमारा हृदय प्रभु के करीब खींचा जाए प्रभु अपने वचन पर आशीष दे हमारा भाई प्रार्थना करेगा